नैव रमते सह द्वितीयम एकम। ये बृहदारण्यक उपनिषद में बताए, एक समय भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, अभी मैं लीला करना चाहता हूँ, लेकिन एक स्वरूप के द्वारा लीला असंभव है। इसलिए बोले, बहु सखी बिना नहे रसर उल्लास। जैसे बोलिए कि फुटबॉल खेलते हैं, नहीं तो क्रिकेट खेलते हैं, अकेले थोड़ी कुछ खेलते हैं। कोई चीज खेलने के लिए दो चार पांच व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए यद्यपि कृष्ण रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवती। कृष्ण कौन है? कहते वो साक्षात रस मूर्ति है, सारे रस का मूर्तिमान स्वरूप भगवान कृष्ण है। लेकिन वो स्वयं रस स्वरूप होते हुए भी, लेकिन वो रस आस्वादन करना चाहते हैं। बोले भैया, अकेला स्वरूप में तो रस आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, बोले सह द्वितीय मैषत, तब वो दो होने के लिए कोशिश की। जब इच्छा की, इतने में देखा कृष्ण का जो वाम अंग फड़कना शुरू किया। फड़कते फड़कते एक दिव्य नारी कृष्ण का वाम अंग से, जैसे 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहनते हुए और दिव्य एक ज्योति रूप में उनका वाम अंग से प्रकट हुई। कौन है? कहते वो रास से प्रकट हुई, इसलिए उनका पहला अक्षर हुआ रा। अब वो प्रकट होकर के पहले कृष्ण की सेवा करने के लिए धावित हो गई। धावित मतलब दौड़ना, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा, धा नाम पड़ गया। बोले श्रीमती राधा रानी की। लेकिन एक से अभी दो हो गए, लेकिन दो होने पर भी लेकिन रास लीला असंभव है, लीला करना तो असंभव है। इसलिए यदि राधा रानी हो है कौन? बोले जो राधा है, बोले कृष्ण ने कृष्णम सम आराधय राधा, बोले इसमें राधा अर्थ बताए। बोले कृष्ण को जो आराधना करती है और कृष्ण जिसकी आराधना करती है, इसलिए फिर राधा रानी, इसलिए इनका नाम राधा। राधा मतलब जो कृष्ण को विभिन्न रूप में कृष्ण सेवा के लिए आराधना करती है। अभी सोच रहे तो दो हो गए। उदाहरण दिया, जैसे एक वृक्ष तमाल वृक्ष, के तमाल वृक्ष स्वरूप कौन है? बोले ये स्वयं कृष्ण। वृक्ष तो सुंदर है ही है, लेकिन अगर उसमें एक लता चली जाए ना, वृक्ष का और भी सुंदरता बढ़ जाती है। कहते ये लता कौन है? बोले स्वयं राधा रानी। कहते एक वृक्ष था, लता हो गया राधा रानी, लेकिन उसमें जो पत्ता है वो तो और सुंदर बढ़ जाता है। बोले ये पत्ता कौन है? बोले ये सबके सब सखियां हैं। वृक्ष लता पत्ता, लेकिन अगर उसमें मंजरिया आ जाए ना, फिर सुंदर सुंदर फूल आ जाए, फिर उसकी और शोभा बढ़ जाती है। इसलिए यद्यपि कृष्ण सुंदर है, लेकिन जब उनको साथ में राधा रानी होती है वो और सुंदर बन जाती है। लेकिन उनको साथ में जब ये पत्ता मतलब सखियां होती हैं, उसमें और सुंदरता आती है। लेकिन उसमें जो मंजरिया आ जाए ना, फिर तो शोभा की चमत्कारता बढ़ जाती है। इसलिए बोले बहु सखी बिना नहे रस रे उल्लास। इसलिए जब तक बहु सखी नहीं हो, तब तक रस का आनंद नहीं आता है। कहती ये सखी रूप में कौन धारण की है? बोलिए श्रीमती राधा रानी स्वयं अनंत रूप में। इसलिए हमारे उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी उसमें सखी प्रकरण को वर्णना करते हैं। अभी बता रहे थे ना, उनका सखियां पांच तरह का इनका सखिया है। नित्य सखी, प्राण सखी, प्राण प्रिय सखी है, उनका तटस्थ विपक्ष सपक्ष। इसलिए राधा रानी अनंत रूप में, श्रीमती राधा रानी ये अनंत सखी रूप धारण करके अनंत रूप में श्री श्याम सुंदर को ये आनंद प्रदान करती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनका नाम राधा है। कहते इनके जो ये आठ सखियां हैं, कि जो यहाँ पर अष्ट सखी देखे हैं, कहते ये अष्ट सखी क्या क्या सेवा करते हैं? बोले तांबुलम भक्त ललितम विशाखाम गंध चंदने चामरे चंप गलता चित्र लेखा तुनर्तने सुदेवी जल सेवायम राग श्री रंग देवी के। कति जो अष्ट सखी किस किस रूप में सेवा करती हैं? बोले तांबुलम भक्त ललिताम। कति जो ललिता सखी बड़ी सुंदर तांबुल पान की बिड़िया बना करके, इतने सुंदर पान की बिड़िया बना करके खिलाती है ना,
जिसमें राधा रानी का होंठ लाल हो जाती है और श्याम सुंदर का, और इतने सुंदर सुंदर उसमें खुशबू चीज देती है। आप लोग पान खाए हो? खाए नहीं? जब यहाँ जो बढ़िया बढ़िया चीज देकर खाए ना, बड़े सुंदर से खुशबू निकलती है। इसलिए जो ललिता सखी ये क्या करती है, बोले तांबुलम भक्त ललिताम, ये ललिता सखी तांबुल प्रदान करती है। कहती इनकी रागे श्री रंग देवी के, बोले जो रंग देवी क्या करती है, बड़े बड़े सुंदर राग रागड़ी गाती है, गा करके राधा श्याम को आनंद प्रदान करती है। एक उदाहरण दिया, जैसे श्रीमती राधा रानी को उदाहरण दिया, ये एक मानस सरोवर है, ये मानस सरोवर है। जैसे मानस सरोवर में अनंत उसमें शाखाएं प्रसगा निकलती हैं, उसी तरह ये श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की। ये राधा रानी कौन है? बोले ये राधा रानी और कोई नहीं, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति। अगर कृष्ण प्रेम को अगर कोई रूप दिया जाए तो ये श्रीमती राधा रानी है। इसलिए उन्हें अनंत शाखा निकली है, मतलब वो अनंत सखी रूप में राधा रानी प्रकट होकर के अनंत रूप में सेवा करती हैं। इसलिए बोले तांबुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदने। विशाखा क्या करती है? कृष्ण को सुंदर सुंदर गंध चंदन से उनको श्रृंगार करते हैं। है बोले रागे श्री रंग देवी के, और चामरे चंपकलता, चंपकलता बड़े सुंदर चामर फुलाती है, और रागे श्री रंग देवी के, और सुदेवी जल सेवाया, जो सुदेवी वो जल सेवा की सेवा करती हैं। इसलिए ये अनंत अनंत रूप में ये सखियां श्री राधा कृष्ण को विभिन्न रूप में ये आनंद देती हैं। ये लेकिन ये और कोई नहीं, इसलिए कोई कोई कहते ना, अरे ये कृष्ण किया सब पराया गोपियों को लेकर, किया रास रचाया, किया नाच रच, बोल नहीं, कृष्ण का एक नाम है रा, आत्मा राम है, आत्मा राम कृष्ण है। कृष्ण और किसको साथ में लीला नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का अभिन्न स्वरूप राधा रानी, और राधा रानी ही ये अनंत रूप में धारण की। अगर खुद को खुद अगर पकड़े, अगर हाथ को पकड़े, कोई दोस्त थोड़ी है। इसलिए कृष्ण और किसी को साथ में लीला नहीं कर रहे, कृष्ण आत्मा राम है, वो अपना आत्मा को साथ में ही रमण करके वो आनंद का अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने श्री अष्ट सखी, बहुत समय हो गया है, अभी हम लोग श्री अष्ट सखी मंदिर में आए, ये अष्ट सखी हम लोगों पर में कृपा करे। इनके जो स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ श्रुतिपक्ष जो तरह तरह का जो सखियां हैं, और हम लोग कौन है, कहते विशेष कर इसमें तीन तरह का सखियां हैं, एक तटस्थ, एक सुपक्ष और एक विपक्ष। बोले ये तटस्थ कौन है? कहते ये ललिता विशाखा, ये तटस्थ है, मतलब ये कृष्ण को भी प्रेम करती है और राधा रानी को, दोनों को, लेकिन ये होने पर भी, लेकिन उनका जो झुकाव है ना श्री राधा रानी का प्रति। और कुछ होते हैं जो विपक्ष, बोले ये कौन है? बोले केवल जो कृष्ण को प्रेम करने वाले। और एक होते हैं स्वपक्ष, बोले ये स्वपक्ष कौन है? बोले केवल श्री राधा रानी को जो प्रेम करने वाले, इनके सुख में सुखी और इनके दुख में दुखी। इसलिए हम लोग कौन है? हम लोग कौन सा पक्ष में? हम लोग विपक्ष नहीं, तटस्थ नहीं, हम लोग स्वपक्ष श्री राधा रानी की अनुगत्य में हम लोग भजन करने वाले। इसलिए जितने हमारे गुरु वर्ग हुए ना, ये सबके सब मंजरी, कमल मंजरी, बुलंद मंजरी, नयन मणि मंजरी और श्री रमण मंजरी, इसलिए हम लोग सब ये मंजरियों का अनुगत्य में आने वाले। लेकिन इनकी अनुगत्य करने से लाभ किया, बोले लाभ है, मूल है उनको जो निपुंज लीला की जो सेवा है। कहते केवल राधा रानी के पक्ष में जो रहने वाले, वो जो निपुंज की जो सेवा, जिस सेवा में ये ललिता विशाखा आदि भी प्रवेश करने के लिए उनको संकोच बोध होता है, लेकिन जो राधा रानी के पक्ष में रहने वाले वो निसंकोच रूप में राधा कृष्ण की सेवा में प्रवेश करके उनको सारे सेवा को अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे सारे गुरुवर्ग ये सब के सब मंजरियाँ हैं, इसलिए हम लोग इनकी अनुगत्य में ही हैं। हम सब के सब श्री राधा कृष्ण जुगल की हम जैसे सेवा प्राप्त हो, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। बोले गीताई गौर प्रेमानंदे हरी हरि बोल।